कोढ़ा थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर सिमरिया के नजरहाजी टोला के रहने वाले दो भाई मोहम्मद शरीफ और वजीर को उनके ही पड़ोसियों ने सहयोगियों के साथ मिलकर मारपीट की। इस मारपीट में दोनों भाई मोहम्मद शरीफ और वजीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल कटिहार लाया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए दोनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित मोहम्मद वजीर ने बताया कि उनके पड़ोसी अक्सर उनके घर की मुर्गियों को कीटनाशक खिला देते थे, जिसके कारण उनकी मुर्गियां मर जाती थी। इसी बात का विरोध करने पर शनिवार को उनके पड़ोसी अपने 20-25 सहयोगियों के साथ पहुंचे और दोनों भाइयों के साथ मारपीट की। पूरा मामला यह है कि जो हमारा घर का आगे में जो है ना उसका खेत है, तो उसमें जो है ना जहर वहर छिड़ रहा था मुड़ी लेके, वही जिसका खेत है जैदुल्ला, उसका नाम है ये लोकमान नाम है, तो छिड़ रहा था तो उसको मना किए, तो उसमें बहुत गाली गलौज कर दिया, तो उसमें जो है ना फिर बाद में मेरा जो है ना मुर्गी का बच्चा उच्चा सब मर गया, मुर्गी मर गया, बाद बाकी बच्चा सब जा रहा था तो उन लोगों को बचा लिया हम, घुमा के ले गए, मना किए। उसके बाद आज भोरे भोरे आया आके जो है ना 10-20 आदमी जो है ना बाद में मरना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ जो है ना ढेरी आदमी आके जो है ना मारधर किया और हमारा भाई को और हमको चोट बहुत जोर से लगा, मेरा भाई का सर फट गया। मामला है जो है दरवाजा का आगे में मकई रोपा हुआ था, मुर्गी में थायमेट छिटाया था, मुर्गी मर गया, तो बोला कि थायमेट क्यों दिए, तो उसी में बोल के देना था, वो कुछ नहीं बोला, उसी में मारना स्टार्ट कर दिया। हम तो घर में नहीं छे, बेटी के घर में छे, तो 6-8 मुर्गी मारा है बड़का बड़का, तो फिर 20 दिन आया था, तो भतीजा बेटा बोलने लगा जी कहने 20 दिशा तक रेख झगड़ा करे से करे मारे छे, हर एक बेटा कपाल फूटिए दे छे, हम तो बेटी घरे छीनू, बेटी ऑपरेशन है छे, बेटी घरे छीनू, बेटी घर है नहीं, आज झगड़ा है छे तो हम नहीं जानते। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने अपने ऊपर हुए इस मामले को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद के साथ बंटी प्रसाद, टाइम्स न्यूज़।